हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे विंडोज़ 8 में आप जो स्टार्ट है उसका पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस सी की दबाना है। विंडोज़ सी की दबाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहें तो इन ऑप्शंस को नॉर्मली यहाँ पर आप जब अपने पॉइंटर को कोने में ले जाते हैं या ऊपर के कोने में ले जाएंगे तो भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक्टिवेट किया। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी दिखा दूंगा बाद में। आपको जाना है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज में आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, आपको जो पसंद हो आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी मुझे ये बैकग्राउंड बहुत पसंद आ रहा है तो मैं इसे रख सकता हूँ। और यहाँ पे आप कलर भी चेंजेस कर सकते हैं, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप येलो, ग्रीन, रेड, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली आपको उसे बंद कर देना है और आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो दूसरा जो तरीका है, अगर आप ये जो बैकग्राउंड है, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वही हमारा स्टार्ट का बैकग्राउंड हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ टास्क बार में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको जाना है नेविगेशन में और यहाँ पे आपको टिक कर देना है शो माई डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑन स्टार्ट और आपको अप्लाई ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्टार्ट का बैकग्राउंड है वो है मेरा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, और मैं चाहूँ तो फिर से इसे चेंज कर सकता हूँ। मैं विंडोज़ सी की प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और पर्सनलाइज, और यहाँ पे मैं जो भी चाहता हूँ उसे सिंपली अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद अगर मुझे लगता है कलर चेंज करने को तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो इस तरह आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो राइट क्लिक पर्सनलाइज और आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, इसमें आपको कुछ कैटेगरीज मिलती हैं। तो मैं यहाँ से अभी कुछ कैटेगरीज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ बैकग्राउंड्स है, फ्लावर्स, लाइन एंड कलर, विंडोज। तो इस तरह आप कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।